नमस्कार दोस्तों, OnlyTheFitness.com में आपका स्वागत है। बने रहिए इस वीडियो के साथ। अनियमित दिनचर्या और गलत खानपान के कारण कब्ज, भारीपन और पेट दर्द होना आजकल एक आम समस्या बन चुकी है। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन से आज हर 10 में से 8 व्यक्ति पीड़ित है। कब्ज का मतलब है पेट ठीक से साफ न होना और मल त्याग करने में परेशानी होना। अगर आपको ये बीमारी लंबे समय से है और आपने अभी तक इसके उपचार के उपाय नहीं किए हैं, तो आगे चलकर ये समस्या एक गंभीर बीमारी भी बन सकती है। सुबह सुबह पेट साफ न हो तो पूरा दिन अच्छा महसूस नहीं होता और उस दिन आपकी ऊर्जा यानी एनर्जी अपने स्तर से और नीचे चली जाती है और आप खुद को थका हुआ भी महसूस करते हैं। यही नहीं बल्कि कब्जियत रहने से कई दूसरी बीमारियाँ भी शरीर में पैदा होने लगती है। कब्ज होने का सबसे बड़ा कारण शरीर में पानी की कमी होना है। पानी की कमी होने पर आंतों में मल सूखने लगता है और मल त्याग करने में काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। कब्ज के उपचार के लिए रोगी को पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए, लेकिन खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। कब्ज होने के और भी कई कारण होते हैं, जैसे गलत चीज़ें खाना पीना जिन्हें पचाना बेहद मुश्किल हो। इसके अलावा रात को खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना कुछ ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से भी कब्ज का रोग होता है। कब्ज हमारे पाचन तंत्र को कमजोर करता है और इसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है, जैसे भूख कम लगना, बवासीर, एसिडिटी, गैस आदि। अपने खान पान में सुधार करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कब्ज का इलाज करने के ऐसे घरेलू उपाय के बारे में बताऊंगी जो पुरानी से पुरानी कब्ज ठीक करने में कारगर है। सबसे पहला उपाय है अदरक और नींबू। एक छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, आधा नींबू का रस और आधा छोटा चम्मच काला नमक को अच्छे से मिलाकर एक गिलास पानी के साथ खाना खाने के आधा घंटा पहले इसका सेवन करें। इसके नियमित सेवन से 5 से 7 दिन के अंदर ही पाचन में सुधार आता है और कब्ज से छुटकारा मिलता है। आप रोजाना दिन के भोजन से पहले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा उपाय है त्रिफला। दोस्तों, कब्ज की समस्या से निजात पाने के लिए त्रिफला बहुत ही अच्छा रामबाण घरेलू उपचार है। त्रिफला 3 चीज़ों यानी आंवला, बहेड़ा और हरड़ को समान मात्रा में मिलाकर और पीस कर बनता है। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ रोजाना सेवन करें। इसके नियमित इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में कब्ज की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तीसरा उपाय है मुनक्का। दोस्तों, मुनक्का में कब्ज नष्ट करने के तत्व मौजूद होते हैं क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है। 5 से 6 मुनक्का को 1 गिलास पानी में रात भर के लिए भिगो कर रख दें और फिर सुबह खाली पेट इसके पानी को पी लें और साथ ही गली हुई मुनक्का को खा लें। इसके रोजाना सेवन से कब्ज तो दूर होगी ही और साथ ही कई स्वास्थ्य लाभ भी मिलेंगे। और चौथा उपाय है अजवाइन और काला नमक। 1 चम्मच अजवाइन में आधा चम्मच काला नमक मिलाकर दोपहर के खाने के आधा घंटे बाद 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लें। इसके नियमित सेवन से भोजन को पचाने में मदद मिलेगी, जिससे कब्ज, पेट दर्द, गैस जैसी आदि समस्याओं से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, अभी हमने कब्ज को दूर करने के उपाय के बारे में देखा है, लेकिन इसी के साथ आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है जिससे आगे चलकर कभी आपको कब्ज की शिकायत ना हो। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, फाइबर युक्त भोजन या फलों का सेवन अधिक करें, रोजाना 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिए, गरिष्ठ भोजन का सेवन करने से बचें, फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड और मैदे से बनी चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें, भोजन को जितना हो सके उतना ज़्यादा चबा चबा कर खाएं, रोज़ सुबह गर्म पानी का सेवन करें और साथ ही रोजाना व्यायाम, योग या पैदल चलना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, OnlyTheFitness.com चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपका इस विषय में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।